Hi guys, so welcome or welcome back to my channel. My name is Ambika and I post lifestyle, fashion and beauty content. So as you've already read from the title, this video is going to be a little makeup video. So the makeup that we're gonna do is this one. Someone asked me about this makeup, ki how did I do this makeup and the whole tutorial. So maine Instagram pe already dal rakha hai, but I thought why not upload it on the YouTube too. So yeah, let's get started. And one thing that I want to clear out, this is not a sponsored video. All these products that I'm using in this video are like my personal favorite or like personally that I'm using. So this is not a sponsored video. So the first thing that we're gonna do is moisturize our face. We are done with the moisturizer, so the next thing that I do is I use this instant rosy glow highlighter or moisturizer. This is like 2-in-1 thing, highlight bhi karta hai aur ye moisturize bhi rakhta hai. And I really like this because jab aap na usko laga ke sun mein jaate ho, it makes your skin glow. Isn't it amazing? So I really like this product. This is one of my favorite products, you can say. Mere yahan pe mirror hai, mere paas like aaj koi mirror nahi hai. और बिना मिरर के मेकअप करना इज़ नॉट ईजी. तो मैं इधर देखती रहूँगी आज वीडियो में बिकॉज मेरा मिरर इस साइड है. वी आर डन विद दिस. सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना डू इज अप्लाई लिपस्टिक. सो दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम पिलग्रिम इन शेड 03 बॉसी ब्राउन. आई बीन आस्क्ड अबाउट दिस लिपस्टिक सो मच ऑन इंस्टाग्राम. तो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि इफ यू लाइक दिस शेड और इफ दिस इज योर शेड यू कैन गो फॉर इट. इट रियली एनहांसेस माय स्किन टोन एंड लुक्स सो गुड ऑन माय स्किन टोन. एंड आई थिंक आई एम डन. तो जब से लिपस्टिक मेरे पास आई है ना, तब से मैं इस लिपस्टिक को छोड़ नहीं रही हूँ और मैं इसी लिपस्टिक को लगाए जा रही हूँ बिकॉज दिस इज सो गुड एंड इट लुक्स सो गुड ऑन माई स्किन टोन टू. सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोना डू इज ब्लश. डेफिनेटली दिस ब्लश इज फ्रॉम लवअर्थ और लाइक ये लिप टिंट, चीक टिंट और अपना आईलिड्स के लिए भी है, लाइक एज एन आई शेडो. एंड द पिगमेंटेशन इज गुड. मैं इस पैलेट को भी काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ. It works good. Blend. पहले मुझे blend नहीं करना आता था. मैं इसको like ऐसे ऐसे scrub कर देती थी और blend नहीं करती थी because मेरे को आता ही नहीं था. But धीरे धीरे with doing makeup and all, मेरे को धीरे धीरे आ गया blend करना. मैंने इस beauty blender को पहले ही like पानी में soak करके रखा हुआ था और अभी निकाल लिया है. पहले मुझे पता नहीं था कि ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज़ करते हैं. मैं उसको ड्राई ही यूज़ कर लेती थी, बट नाउ दैट आई नो, अब मैं इसको लाइक एक बार ही वेट करके ही यूज़ करती हूँ. सो वी आर डन विद द ब्लश. आई थिंक इस साइड ज़्यादा ब्लश लग गया और इस साइड थोड़ा कम है, बट आई थिंक ठीक है. मिरर में मेरे को ठीक ही लग रहा है, इस वाले मिरर में मेरे को ठीक लग रहा है, बट बड़े वाले मिरर में मेरे को पता नहीं क्यों गलत लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया है. आई डोंट नो व्हाई. जाने दो. द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोना डू इज आईलैश कर्ल एंड मस्कारा. मैंने काजल लगाया हुआ था इस वीडियो में. यस, काजल लगाया था मैंने, काजल भूल गई थी, बट देर वॉज नो आई लाइनर. सो या, तो पहले हम लोग कर्ल करते हैं. पहले मैं क्या करती थी कि मैं पहले मस्कारा लगा लेती थी, देन आई यूज टू कर्ल. बट फिर मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया कि लाइक यू शुड नॉट, यू नो, पहले मस्कारा नहीं लगाना चाहिए, यू शुड नॉट यूज कर्लर बाद में, पहले आपको कर्लर यूज़ करना चाहिए, देन यू शुड यूज़ मस्कारा. तो मैं वही करने वाली हूँ, वरना आपके आईब्रोज लाइक वो हो जाती हैं, टूट जाती हैं आई गेस, या समथिंग लाइक दैट. बट या, तब से मैं वो स्टेप फॉलो करने लगी. एंड दिस मस्कारा, आई डोंट नो, आई कैन नॉट गिव यू अ ब्रांड बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम अ लोकल मार्केट. लेट मी डू माई मस्कारा फोकस करके. I am done with the mascara, but there is like a lot of mascara all over my eyes. So with the help of a Q-tip and my micellar water, I'm gonna clean my eye. I used to think ki makeup is something that is like very hard or very, you know, complicated type of stuff. But jaise jaise main karne lagi, I just realized ki this is my thing. This is what I do. And this is what I like, and this is what I can do way much better. So the next and the final step is kajal. Definitely, kajal से मेरी आँखें मस्त हो जाती हैं, मस्त लगने लगता है. तो मैंने लाइक क्या देखा था काजल लगाने का, कि आपको ऐसे दोनों उंगलियों से ऐसे करना चाहिए ताकि लाइक जो आपकी आईलिड है ना, जो भी होता है आई है जो आपकी, वो पूरी तरीके से नीचे आए और आपका मेकअप भी ना खराब होए.
बट आई डोंट नो इफ दैट वर्क्स फॉर मी, या तो मुझे करना नहीं आ रहा है. इट लुक्स गुड द डिफरेंस. सो दिस इज द फाइनल लुक सॉर्ट ऑफ एंड आई रियली लाइक हाउ इट टर्न्स आउट. ऑलवेज ऑल द टाइम हमेशा मैं जब भी ये वाला मेकअप करती हूँ ना, इट ऑलवेज टर्न्स आउट सो गुड दैट आई एम इम्प्रेस विद माई ओन सेल्फ. So I think this video was helpful for you guys too. And if you have any questions or like anything to ask for, you can DM me on Instagram or like leave a comment in the comment section down below. So I think this is it for today, and I'll see you next time. Bye bye.